students, I welcome you all once again. I hope you all must be doing very well. एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. आज एक नई डिस्कशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस. समझने की कोशिश करेंगे इस रिलेशन को, डिटेल में जो है जाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये संबंध और कैसे जो हैं ये संबंध जो है आगे चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं. सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे. सो आई होप आप तैयार हैं इस डिस्कशन के साथ और आप सबको जो हैं सारे नोट्स भी मिल चुके होंगे. ये इंडिया चाइना के नोट्स भी आज शेयर कर दिए जाएंगे. सो आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स वंस अगेन. आई वेलकम यू ऑल. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट नेबर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ोसी. और चाइना कहीं ना कहीं अगर आप इसको समझें कि चाइना के बारे में नेपोलियन ने कहा था कि जब चाइना कहीं ना कहीं अपने स्लम्बर से उठेगा, अपनी नींद से उठेगा, तो ये पूरी दुनिया को चौंका देगा, पूरी दुनिया को हैरान कर देगा. ये बात चाइना के बारे में जो है कही गई थी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कोटेशन. नेपोलियन का क्या कहना था, व्हेन कम आउट ऑफ स्लम्बर, जब ये उठेगा अपनी नींद से, चाइना विल एस्टॉनिश द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को हैरान कर देगा, चौंका देगा. चाइना को अगर आप ध्यान से समझें, ठीक है ना, एक बुक लिखी है एक श्याम सरन जी जो हैं, उन्होंने लिखी है चाइनाज विजन ऑफ मिडिल किंगडम. चाइनाज विजन ऑफ मिडिल किंगडम. तो चाइना को अगर आप ध्यान से देखें, ये आपको पूरे विश्व के बीच में नजर आता है, ठीक है ना. आप देखें तो बिल्कुल विश्व का मिडिल है ये देखें आप ध्यान से चाइना को अगर आप समझेंगे कहीं ना कहीं जो है, तो पूरे विश्व का के जो है मिडिल में आपको ये नज़र आता है चाइना, सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा चाइना जो है, ठीक है ना. यहाँ से आप देखें, इधर जो है आपका एशिया है, ठीक है ना, इधर आपका सेंट्रल एशिया है, यहाँ आपका ये अफ्रीका है, यहाँ आपका यूरोप है, ठीक है ना. इसी तरह जो है इसके यहाँ पे आप देखें, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे आप देखें तो अमेरिका वगैरह आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना. तो उसके मिडल में ये आपको चाइना नज़र आता है. और जैसे रशिया के बारे में कहा जाता है कि उसकी किस्मत में शायद यही है, उसकी किस्मत में फैलना और सुकड़ना लिखा हुआ है, उसकी किस्मत ही ऐसी है कहीं ना कहीं जो है. मॉर्टन डी कपलान ने एक किताब लिखी थी द कर्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है ना, कि कैसे जो है ज्योग्राफी या भूगोल भी इंसान के लिए बदकिस्मत होता है. तो रशिया के लिए भी ये चीज़ थी कि जो उसका भौगोलिक क्षेत्र है, भूगोल के हिसाब से जहाँ पर वो स्थित है, वो उसके लिए इतनी बड़ी परेशानी है कि रशिया को फैलना ही पड़ेगा, वो उसको वो और कुछ कर ही नहीं सकता है. रशिया की किस्मत में ही फैलना लिखा है, ये फैलेगा फिर सुकड़ेगा, इसकी विदेश नीति ऐसे ही चलेगी. अगर ये नहीं फैलेगा तो बाकी कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएंगे. खैर, अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अलग अलग जो हैं थ्योरीज होती हैं वर्ल्ड में जो है. तो चाइना का ये जो मिडिल किंगडम का कंसेप्ट था, ये माओ ज़िडांग जो थे आपके, ठीक है ना, जब चाइना में क्रांति आई थी, जैसे रशिया में क्रांति आई थी, तो दूसरी क्रांति जो है चाइना में आई थी और माओ ज़िडांग वो क्रांति लेके आए थे जो है, ठीक है ना. इनका असली नाम जो है माओ से तुंग है, तुंग था. तो इन्होंने ये कंसेप्ट लाया था 1960s के लेट में, 70s में ये कंसेप्ट लाया था, चाइनाज कंसेप्ट ऑफ मिडिल किंगडम. तो इसी पे श्याम सरन जी ने भी जो है लिखा हुआ है चाइनाज विजन ऑफ मिडिल किंगडम. और उस टाइम पे जो कंसेप्ट लाया था वो कंसेप्ट खैर उस टाइम पे चल नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि शायद वो कंसेप्ट रिवाइव होगा, वो चीज़ आएगी.
चाइना एक पूरे वर्ल्ड में मिडिल किंगडम है, ठीक है ना। आपने बहुत बड़े बड़े जो हैं राज्य देखे हैं, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य देखे हैं, लेकिन चाइना बहुत ही बड़ा कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, एरिया के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। और इसका जो विस्तार होने वाला है, ठीक है ना, तो सिंगापुर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे आपके जो है, ठीक है, ली कुवन यू, उन्होंने कहा था कि चाइना का साइज इतना बड़ा है, द साइज ऑफ चाइनाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैलेंस इज सच दैट द वर्ल्ड मस्ट फाइंड अ न्यू बैलेंस। कि अगर आप शक्ति संतुलन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है, हर एक ताकत, हर एक जो है राज्य, हर एक देश, वो अपनी शक्ति जो है ना उसको संतुलित करना चाहता है दूसरे के साथ। पाकिस्तान चाहता है कि एक बैलेंस हो, शक्ति संतुलन हो, मैं तो किस तरह भारत को कमजोर करूं, भारत में आपको और मजबूत करना चाहता है, किस तरह शक्ति संतुलन रहे और मैं चाइना को कहीं ना कहीं जो है संतुलित कर पाऊं, या ऐसी कोई चीज कर पाऊं। तो जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो है एक संतुलन बना हुआ था, उसके बाद ये कहा गया 1991 में जब आपका सोवियत संघ टूट गया, तो ये कहा गया कि शायद अब जो है अमेरिका ही सबसे बड़ी पावर है। खैर, उसके बाद और बहुत सारे देश आए। अब चाइना के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसको डिस्प्लेस कौन करेगा विश्व में, जो इसकी ताकत है, जो इसका एरिया है, जो इसकी ताकत बन गई है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, आपको एक नया बैलेंस लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप जो, ठीक है ना। आप इसको खाली एक बड़ा प्लेयर, बड़ी शक्ति जो है समझकर जो है इसको जो है वो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ भाई बड़ी बड़ी शक्तियां आई हैं, इंग्लैंड आया है, अमेरिका आया, सोवियत संघ आया, तो शक्ति संतुलन चलता रहेगा, इसको जो है कंटेन कर लेंगे, इसको जो है कहीं ना कहीं जो है इसको जो है कंट्रोल में कर लेगा जो है अमेरिका या बाकी कुछ देश मिलके। ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं। और वो जो सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये कहना है कि इतिहास में, विश्व इतिहास में ये सबसे बड़ा प्लेयर इमर्ज होके सामने आया है, इससे बड़ा राज्य आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आबादी के हिसाब से तो भाई बड़ा, एरिया के हिसाब से नो डाउट रशिया के पास बहुत बड़ा एरिया है, अमेरिका के पास भी है, लेकिन जो इसकी टेक्नोलॉजी, जो इसकी इकोनॉमी है, जो इसकी एक जो है विदेश नीति है, जिस हिसाब से ये अपना जो है दबदबा जो है वर्ल्ड पे बनाना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं ये खाली चैलेंज नहीं कर रहा है अमेरिका को, अमेरिका की वर्चस्वता, उसकी हेजमनी को खाली चैलेंज नहीं कर रहा है, बल्कि उसको हटा के खुद आना चाह रहा है। और उसने खुद ये कहा है कि हाँ मैं ग्लोबलाइजेशन में जो है भूमंडलीकरण जो है, ठीक है ना, जो है मैं उसका जो है कहीं ना कहीं जो है भार लेने के लिए तैयार हूँ, मैं जो है आगे बढ़ के जो है पूरे विश्व को जो है रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के जो है, ठीक है ना, उन्हीं की ये स्टेटमेंट थी जो है, ठीक है ना, जो आपके उनका नाम था ली कुवन यू। तो इन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो है दिस इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि चाइना जो है कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर इमर्ज होकर सामने आया है। चाइना इज द बिगेस्ट। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ नए नए तरीके लाके स्टूडेंट्स को अलग ही लेवल पर जो है उनकी डिस्कशन लेके जाऊँ, और ये मेरी कोशिश हमेशा से रहती है, उसी कोशिश का एक हिस्सा है। तो चाइना इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। विश्व इतिहास को देखें तो इससे बड़ा प्लेयर आपको शायद नजर नहीं आने वाला है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। बहुत तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है ये किंगडम जो है, ठीक है ना। डेंग थे, डेंग ने एक जो है किताब लिखी थी, डेंग, ये भी एक जो है अंतर्राष्ट्रीय पंडित माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने लिखा था हाइड एंड बाइड टाइम, हाइड एंड बाइड टाइम, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है ये कहते हैं कि एक पीसफुल राइज हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये ताकत जो है इसका उदय हुआ है। और चाइना का उदय एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया अब उसे इग्नोर नहीं कर सकती है, ये कह के कि हाँ भाई एक और शक्ति है, कोई बात नहीं, बड़ी शक्ति है तब भी कोई बात नहीं जो, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आज के टाइम पे। जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जाई जिनपिंग, जिनका नाम है, जो पूरी तरह से विस्तार करना चाहते हैं चाइना का जो है, ठीक है ना, उनका एक ड्रीम है, उनका एक सपना है, चाइना ड्रीम जो है वो देखते हैं, चाइना ड्रीम। और उनका सपना है वन वर्ल्ड का, वन वर्ल्ड एक विश्व, ठीक है ना, ये सपना है उनका कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और उनका ये कहना है कहीं ना कहीं
वो जो वर्ल्ड है उसको चाइना लीड करे, ठीक है ना। और उनका ये कहना है कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है, मौसम बदल गया है और कहीं ना कहीं हमारा टाइम जो है आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो है सोचेंगे। अब अगर आप किसी आइडियलिस्ट को देखेंगे, ठीक है ना, उसी दार्शनिक को देखेंगे, दार्शनिक विचारधारा को देखेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो दार्शनिक थे और उनका ये कहना था कि 21st सेंचुरी विल बी एशियन सेंचुरी। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि 21st सेंचुरी विल बी एशियन सेंचुरी, क्योंकि इंडिया खुद एशिया में है। नो डाउट एशियन सेंचुरी है, लेकिन ये एशियन सेंचुरी में सिर्फ एक ही ताकत आपको नजर आ रही है कहीं ना कहीं। तो अगर आप रियलिस्ट से पूछेंगे, ठीक है ना, जो आपके रियलिस्ट हैं, ठीक है ना, जो रियलिस्ट जो आपके सामने आपको नजर आते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे इट इज अनडाउटेडली द सेंचुरी ऑफ चाइना। तो चाइना कहीं ना कहीं जो है डिसाइड कर रहा है सारी की सारी चीजें जो है, कहीं ना कहीं चाइना जो है हर एक सिस्टम को जो है आगे लेके बढ़ रहा है। तो यथार्थवादी आपको जो है यही कहते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और उनका जो कहना है कि चाइना इज एरिडेंटिस्ट, कहीं ना कहीं हमेशा से जो है आगे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। इसी तरह आपके श्याम सरन जो है, ठीक है ना, वो एक प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक भी रियलिस्ट होता है, ठीक है ना, जो रियलिटी को देखता है, ठीक है ना, जो जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को समझता है। तो श्याम सरन जी का ये कहना है कि चाइना इज बोथ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है विश्व के सामने, लेकिन ये एक आपके सामने एक मौका भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसके साथ संबंध बढ़ा के इस जो है ये आगे जा रहा है, इसके साथ कहीं ना कहीं आप भी जो है आगे बढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है, ये सारे के सारे जो हैं पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना। बहुत से लोग ये कहते हैं, ठीक है ना, बहुत से आपके जो अंतर्राष्ट्रीय पंडित हैं उनका ये कहना है कि इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द विजडम ऑफ चाइना। जो चाइना की विजडम है, जो चाइना की बुद्धि है, उससे इंडिया को भी जो है सीखना चाहिए कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। सो मतलब अगर आप सुने, एक आपके जो है सुनजू, ठीक है ना, एक बहुत बड़े जो हैं ये चाइना के जो हैं पंडित माने जाते हैं, इनका ये कहना है कि किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा आर्ट ये होता है कि आप अपने दुश्मन को झुका दो बिना उससे लड़े हुए। और चाइना के लिए यही चीज़ है कि चाइना किसी से भी लड़ नहीं रहा है, ना अमेरिका से, ना इंडिया से, ना किसी से। ठीक है, इश्यूज चल रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, बट कहीं भी डायरेक्ट वॉर नहीं है। और चाइना जो है राइज हो रहा है बड़े जो है तरीके से कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें चलती हुई नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और चाइना का जो जो है चार्म ऑफेंसिव जो बात की जाती है, ठीक है ना, चाइना की ये बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है, चार्म ऑफेंसिव। बड़े प्यार से वो हमला करेगा, बड़े तरीके से जो है वो आप पे हमला करेगा। चार्म ऑफेंसिव ऑफ द मिडल किंगडम, ठीक है ना, बड़े तरीके से जो है, बड़ा चार्म मतलब बड़े खूबसूरती के साथ, प्यार के साथ जो, ठीक है, जिस तरह चार्म जो है बीन बजा के आप सांप को बाहर निकाल लेते हो ना, है ना, उसको पकड़ लेते हो, है ना, चीन सांप घुसा हुआ है। तो ये चाइना का भी चार्म ऑफेंसिव है। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करता है, जैसे कहता है वुहन स्पिरिट। वुहन स्पिरिट जो है, वुहन वहाँ पे एक जगह है, उसमें उसने कहा कि भाई हम और वर्ल्ड इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मैं और इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना। इसी तरह जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का शुरू हो गया है, उसका पार्ट 2 भी आ गया है, ठीक है ना। बेल्ट, तो बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव भी आपको जो है नजर आ रहा है कहीं ना कहीं जो है। इसी तरह डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन करता है चाइना जो है, ठीक है ना, बोलता है सभ्यताओं के बीच में डायलॉग होना चाहिए। कितने तरीके से चाइना जो है अपना दबदबा बना रहा है बड़े प्यार से, बिना कोई युद्ध लड़े हुए। इस तरह ये डायलॉग चाइना ने किया था मई 2019 में, डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस। इसी तरह RCEP, रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो आसियान के बैनर के अंडर हुई है, आसियान ने जो की है उन देशों से जिससे उसने फ्री ट्रेड समझौता जो है किया हुआ है, ठीक है ना, फ्री व्यापार समझौता जो है किया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आपका न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है। इंडिया RCEP से बाहर हो गया था, क्योंकि RCEP में जो है एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज बिल्कुल 0% के लेवल पे आ जाएंगी। और इंडिया के जो डेयरी सेक्टर है, जो यहाँ का डेयरी सेक्टर है, दूध और जो उससे रिलेटेड जो किसान है, ठीक है ना, जो मवेशी और दूध वगैरह का जो है व्यापार करते हैं भारत में, उनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है लीडिंग प्लेयर है डेयरी में, उसके प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आएंगे, सस्ते कंज्यूमर्स को ना और फायदा होगा लेकिन किसानों को नुकसान हो जाएगा। इस तरह चाइना क्या करेगा, चाइना से ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब, व्यापार डेफिसिट का मतलब, कि हम पिछड़े हुए हैं व्यापार में उससे। अगर चाइना से 70 रुपये की चीज़ यहाँ आती है, हमारी सिर्फ 25 रुपये या 30 रुपये की चीज़ वहाँ जाती है, वो उस 25 और 30 रुपये में से भी जो है ज़्यादा
कच्चा मवाद जाता है, रॉ मटेरियल जो है जाता है, ठीक है ना, स्टील या आयरन या बाकी चीज़ें जाती हैं। तो चाइना अगर इसका सहारा ले गया आरसीईपी का, तो चाइना डायरेक्ट तो नहीं भेजेगा, डायरेक्ट हम उसको लाने नहीं देते हैं, डायरेक्ट व्यापार में हम कोशिश करते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स जो हैं ज़्यादा ना आए, ज़्यादा वो ना हो, कंट्रोल रहता है हमारे, लेकिन वो दूसरे देश के थ्रू आ जाएगा, वो सिंगापुर से माल बेच देगा, सिंगापुर में माल पहुँचेगा, वहाँ से आ जाएगा, तो बाकी जगहों से। खैर, तो चाइना ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो है लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से एक पैक्स सिनिका का वक्त आने वाला है, ये कहा जा रहा है कि शायद पैक्स सिनिका आ रहा है। पैक्स सिनिका का मतलब ये है कि जब कोई ऐसा देश हो वर्ल्ड में जो अपनी ताकत, अपनी शक्ति के आधार पर दुनिया में शांति जो है बनाए, अलग अलग जगहों पे जहाँ पे विवाद हैं वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी अपने दबदबे से, अपने बड़ेपन से कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे वर्ल्ड इश्यूज़ को सॉल्व करवाए। जैसे कि 1815 से लेके 1914 तक आपको जो है इंग्लैंड नज़र आया, जिसका वर्ल्ड पे दबदबा था, और ये कहा जाता था कि जो है सन नेवर जो है डाउन इन द इंग्लैंड किंगडम, ठीक है ना, इंग्लैंड के किंगडम में, इंग्लैंड के एम्पायर में कभी भी सूरज जो है झुकता नहीं है, कभी भी सूरज जो है छुपता नहीं है, ठीक है ना। सो सनसेट नहीं होता है कभी भी जो है उसके किंगडम में। और कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको जो है अमेरिका नज़र आया, बीच में आपको थोड़ा सा जो है सोवियत संघ नज़र आया, और 1991 के बाद आपको पैक्स अमेरिकाना नज़र आया। और अब कहा जा रहा है कि शायद ये जो सेंचुरी है पैक्स सिनिका है, सिनिका चाइना को कहा जाता है, ठीक है ना। तो पैक्स सिनिका मतलब जब कोई ताकत जो है, कोई देश जो है, उसके साथ ये पैक्स लगाया जाता है, जब वो अपनी ताकत के बलबूते पर विश्व में जो है शांति करवाता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है करवाया जाता है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी, इन सारे पर्सपेक्टिव्स को जो है कहीं ना कहीं जो है समझने की ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव आपके सामने आ रहे हैं बेटा। आरसीईपी इज रीजनल कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, रीजनल कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है ना, ये आसियान ने किया है, ठीक है, आसियान ने किया है, आसियान प्लस अदर नेशंस, चार बाकी नेशंस हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका चाइना है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया नहीं आया इसमें, और शायद साउथ कोरिया भी है। तो खैर, वो हम बाद में अच्छे से आसियान देखेंगे, तो वहाँ मैं आपको जो है यही बताऊँगा। तो इसमें जो है फ्री जो है कहीं ना कहीं उत्पाद होगा, ये है आपका, ठीक है ना, ये आपका आसियान है, इन देशों ने किया है, ये जो 10 देश हैं आसियान के, जब मैं आपको आसियान पढ़ाऊंगा, इन्होंने किया है, ये सब मिलकर इकट्ठे पूरा देश मिला के इनकी एक रीजनल संगठन है, क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, आर्थिक संगठन है, जो है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है पर्सपेक्टिव हैं, ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं, इसी पर्सपेक्टिव, इसी चीज़ों में कहीं ना कहीं हम जो है अब चाइना के साथ अपने संबंधों को समझेंगे, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो और आप अच्छे से चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है समझ पाएँ। थोड़ी सी कुछ चीज़ें लाऊंगा, कुछ फैक्ट्स आपके सामने जो है लाऊंगा, और उन्हीं फैक्ट्स के साथ जो है बाकी चीज़ें फिर हम जो है डिस्कस करेंगे, जो है और चीज़ें आपके सामने जो है लाई जाएंगी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से, ठीक है ना, अगर आप चाइनीज़ गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से देखेंगे, तो चाइना का कहना है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट डाटा, उसके हिसाब से उनके उनका ये कहना है, ठीक है ना, कि इंडिया का जो आपसी व्यापार है, इंडियाज़ बाइलेटरल ट्रेड विद चाइना हैज इंक्रीज्ड टू 43.3% इन 2021, ठीक है ना। इवन दो भारत जो है कोशिश कर रहा है कि चाइना के ऊपर जो उसकी निर्भरता है, तो जो निर्भर है कहीं ना कहीं चाइना से इंपोर्ट के लिए, वो कम हो, इतना ज़्यादा जो है ना हो, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो है
वो जो है आत्मनिर्भरता पे कहीं ना कहीं जो है सेल्फ रिलायंस पे जो है जोर दे रहा है भारत जो है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं ये ट्रेड अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं। और 2021 में जो उनका बाइलेटरल ट्रेड था वो था यूएसडी डॉलर में जो है 97.5 बिलियन डॉलर, 97.5 बिलियन डॉलर इन 2021। बहुत ज़्यादा ट्रेड है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी की सारी जो हैं चीज़ें थी, ये सारे के सारे जो हैं पर्सपेक्टिव थे। ब्रिक्स की जो समिट हुई है, ठीक है ना, ब्रिक्स एक इकोनॉमिक संगठन है, रीजनल संगठन है, जिसमें आपका ब्राज़ील है, जिसमें आपका रशिया है, बी से ब्राज़ील, एस आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। तो जो आपसी व्यापार है इनका जो है, ठीक है ना, ब्राज़ील रशिया वगैरह ये आपस में व्यापार करते हुए नजर आते हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट ब्रिक्स जो है मीटिंग थी जो है, ठीक है ना, वो जनवरी में जो है हुई आपकी जो है, ठीक है, रिसेंटली वहाँ पे हुई कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। 2021 की मीटिंग जो है इंडिया ने होस्ट की थी, ठीक है ना, और यहाँ पे इन्होंने 2022 के एजेंडे को डिस्कस किया है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, आगे बढ़ने की कोशिश की है, इन सारी पर्सपेक्टिव को, सारी चीज़ें को जो है करने की कोशिश की है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, इन्हीं पर्सपेक्टिव में हम आगे बढ़ेंगे और अब जो है चाइना और भारत के संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एक क्लैरिटी के साथ सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आएं। अब आप ये देखें कि हमारे चाइना के साथ जो हैं बहुत सारे जो हैं कहीं ना कहीं मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है नज़र आती हैं, बहुत सारे मसले आपको नज़र आएंगे चाइना के साथ जो है। हमारे बॉर्डर इश्यूज़ हैं, उससे जो है सीमा विवाद हैं हमारे जो हैं, ठीक है ना, उसके अलावा जो हैं हमारे और जो हैं कहीं ना कहीं जो है कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, कुछ वाटर इश्यूज़ हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको नज़र आएंगी। तो उसी पर्सपेक्टिव में हम सारी चीज़ों को, सारे पर्सपेक्टिव्स को जो है समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एक क्लैरिटी के साथ सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आएँ और हम अच्छे से कहीं ना कहीं सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स को जो है समझ पाएँ, सारी की सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम अच्छे से जो है लेके चल पाएँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, सीमा विवाद हैं, तो आप ध्यान से देखें चाइना के साथ जो हमारे विवाद हैं, क्षेत्रीय विवाद हैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी हमारी जो है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्साइ चिन का एरिया है, ये चाइना ने जो है 1960 की वॉर में भारत से छीन लिया था, ठीक है ना। उसके अलावा यहीं पे ही जो है आपका गालवान वैली है, दौलत बेग ओल्टी सेक्टर है, वहाँ पे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आपका यहाँ सिक्किम है, और यहाँ पे आप जानते हैं मैंने आपको भूटान के टाइम पे जो है जब रिलेशंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, यहाँ पे आपका जो है डोकलाम में जो है थोड़ा सा इश्यू है यहाँ पे जो है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे चाइना जो है पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को जो है क्लेम करता है एज साउथ तिब्बत, वो कहता है ये सारा का सारा अरुणाचल प्रदेश जो है ये साउथ तिब्बत है सारा का सारा जो है, ठीक है ना, ये सारा का सारा जो है साउथ तिब्बत है, अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा जो है वो कहता है कि भाई ये मेरा है। तो ये वाला भी इश्यू है, ठीक है ना, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं जो है सामने आती हैं। तो इस तरह के विवाद, इस तरह के इश्यूज जो हैं सारे के सारे जो हैं सामने आए हुए हैं, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्लैरिटी के साथ सारी की सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके सामने लाएंगे, चाहे एक क्लैरिटी के साथ आप सारी चीज़ों को जो है समझ सकें और हम अच्छे से सारे के सारे संबंधों को देखें। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ चाइना का यहाँ से इश्यू है हमारा वेस्टर्न सेक्टर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे, सेंट्रल में यहाँ थोड़ा सा इश्यू है सिक्किम को लेके, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न सेक्टर में ये इश्यू आपको जो है नज़र आता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बॉर्डर इश्यूज हैं चाइना के साथ हमारे जो आगे बढ़ रहे हैं। रोहित कुमार, 2022 का ट्रेड थोड़ा सब्र करना चाहिए बेटा, और थोड़ा सा बेटा एक कॉमन सेंस भी होती है बेटा, 2022 अभी शुरू हुआ है, 2022 जो हमारा शुरू हुआ है, जो फिनेंशियल ईयर होता है 2022 जो है वो अप्रैल से शुरू हुआ है, ठीक है ना, अप्रैल से शुरू हुआ है और वो मार्च तक जाएगा अगले साल, ये होता है। और जब भी बाइलेटरल ट्रेड की आप बात करेंगे तो एग्जैक्टली बाइलेटरल ट्रेड का पता नहीं चलता है, ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं होता है, अलग अलग एजेंसी से हमें पता चलता है। ये तो रिसेंटली चाइनीज गवर्नमेंट ने बताया है, और ऑलमोस्ट इतना ट्रेड है, इतना व्यापार है, ठीक है ना। तो 22 का ट्रेड बेटा अगले साल पता चलेगा, 22 अभी शुरू ही हुआ है। अब 2022 का मैं
4 दिन का ट्रेड क्या बताऊं बेटा आपको, है ना, 4 दिन का बताऊं, अगर वो है तो चलो बेटा वो भी कोशिश कर लेता हूं मैं। पूछता हूं कुछ जाके जो है भाई 4 दिन में कितना जो है व्यापार हुआ है। चलिए खैर, तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं, ये सारे के सारे जो हैं पर्सपेक्टिव हैं कहीं ना कहीं इंडिया चाइना रिलेशंस को लेके जो है, ठीक है ना। बहुत सारे इश्यूज कहीं ना कहीं सीमाओं पे हैं, सीमाओं पे सबसे ज़्यादा जो है इश्यूज आपको जो है नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। आर्मी चीफ जो हैं आपके जनरल मनोज नरवाने जो हैं, उन्होंने पूरा स्थिति को समझा है, रिव्यू लिया है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, और कहा है कि कहीं ना कहीं दोनों साइड से जो दोनों आर्मीज हैं उनको कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और एक रिस्ट्रेंट कहीं ना कहीं जो है उनको रखना है, शांतिपूर्वक जो है चीज़ों को जो है लेके चलना है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। आप जानते हैं कि 2020 में, ठीक है ना, 15 जून 2020 को एक मसला हो गया था जो है आपके गालवान वैली जो है आपकी लद्दाख में जो है, ठीक है ना, वहाँ पे 1 कमांडिंग ऑफिसर एंड 2 जवान ऑफ द इंडियन आर्मी दे लॉस्ट देयर लाइफ्स, ठीक है ना, उनकी जान चली गई थी, वो मारे गए थे वहाँ पे जो है, ठीक है ना, लद्दाख रीजन में, भारत और चाइना के जो लद्दाख में जो विवाद है बीच में, वहाँ पे इश्यू हुआ था जो है, एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ था जो है चाइनीज ट्रूप्स जो है गलवान एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख में जो है ये मसला सामने आया था, ठीक है ना। तो ये आप देखें, ये गलवान नाला जंक्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको नजर आए थे जो है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको गलवान में जो है इश्यू नजर आया था, यहाँ पे जो है यहाँ एक्साइज चीन है, अब ये लद्दाख का एरिया है, तो लद्दाख के ईस्टर्न सेक्टर में यहाँ गलवान वैली में जो है डिस्प्यूट हो गया था, विवाद हो गया था, दोनों आर्मीज आमने सामने आ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कोई डेथ हुई है, लोग मारे गए कहीं ना कहीं जो है, जवान मारे गए आर्मी के गलवान वैली में कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं टोटल ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स जो है कहीं ना कहीं मारे गए इस क्लैश में कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। उसके बाद भारतीय जो है जवानों ने भी जो है बहुत तगड़ा जो है उनको जवाब दिया जो है चाइनीज़ को कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जाता है कि चाइना के भी बहुत सब्सटैंशियल नंबर में जो है वहाँ उनकी जो है आर्मी उनके लोग जो है कहीं ना कहीं जो है मारे गए कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, उस विवाद में, उस कन्फ्लिक्ट में, उस संघर्ष में। उसके बाद हाई लेवल जो है विजिट्स हुई दोनों जो है देशों के बीच जो है, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं आर्मीज के बीच जो है ये चीज़ें जो है चलती हुई नज़र आई, ठीक है ना, ये सारे के सारे मसले नजर आए। और ये एग्री किया गया समझौते में जो है कहीं ना कहीं ये माना गया कि भाई कम से कम आप 2 से 2.5 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ से यही पीछे हटेगा, ये भी पीछे हटेगा कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, जो डिस्प्यूट टेरिटरी है उससे 2.5 किलोमीटर जो है पीछे हटे कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी ने भी कहा कोई बात नहीं, हम भी उसको जो है देखेंगे कहीं ना कहीं जो है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है चलती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा एक फेस ऑफ अलग अलग जगहों पर नजर आया आपको, बिल्कुल एक डिटेल में आपके सामने पर्सपेक्टिव ला रहा हूँ। तो ये गलवान वैली क्लैश हुआ था आपका जो है, ठीक है ना, लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में। उसके अलावा आप एक और देखें तो एक और क्लैश हुआ था जो है, ठीक है ना, एक और क्लैश हुआ था 10 मई 2020। ये क्लैश जो है आपका नथुला में हुआ था जो है, ठीक है ना, नथुला जो है एक पास है, ये सिक्किम में है, भारत के सिक्किम में, वहां पे क्लैश हुआ था। ऑलमोस्ट 11 जो हैं जवान जो हैं जख्मी हुए थे यहीं पे, यहाँ पे भी टेंशन बढ़ गई थी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसके बाद कहीं ना कहीं एकदम जो है टेंशन बढ़ती हुई कहाँ पहुंची जो है, लद्दाख में पहुंची बाद में जो है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं चीजें हैं कहीं ना कहीं जो है, ये सारे के सारे जो हैं पर्सपेक्टिव हैं, इस पर्सपेक्टिव में सारी की सारी चीज़ें जो है आपको चलती हुई नज़र आती हैं। और उसका जवाब भारतीय जो है गवर्नमेंट ने कैसे दिया था आप जानते हैं, 59 चाइनीज ऐप्स जो थी, ठीक है ना, उनको जो है बैन कर दिया गया जो है, ठीक है ना, 59 ऐप्स जो हैं उनको बैन कर दिया गया जो है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है टेंशन बढ़ रही थी, ठीक है, एक तो कोविड-19 पेंडेमिक भी है, बाकी सारी की सारी जो है चीज़ें हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो है इस चीज़ से ये भी चीज़ें हुई कि भाई भारत की निर्भरता भी है कहीं ना कहीं जो है चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, और इस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें जो है चलती हुई नज़र आ रही हैं। बट खैर, भारत ने अलग अलग टाइम पे जो है इसका जवाब दिया है आर जो है। और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देखें कि इतना विवाद, इतने संघर्ष होने के बावजूद 2021 में इतना ज़्यादा हमारा ट्रेड, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक जो है डिप्लोमेसी है कहीं ना कहीं उसका शायद इतना बड़ा रोल नहीं रहा है जितना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल हो गया कहीं ना कहीं। और अब जो है आर्थिक संबंध और कहीं ना कहीं जो है आर्थिक कूटनीति वो डिसाइड करेगी जो है अलग अलग देशों के बीच में संबंध के किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें रहेंगी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना।
तो इन सारे पर्सपेक्टिव्स को जो है समझने की ज़रूरत है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है चल रही हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। इवन के अक्टूबर 2019 में हमारे जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे जाई जिनपिंग, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले जो है, ठीक है ना, महाबलीपुरम तमिलनाडु में जो है, ठीक है ना, एक फॉर्मल जो है मीटिंग हुई कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और 2019 में भारत ने ये कहा था कि मैं चाइना का BRI ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है ना। जो चाइना का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिस हिसाब से ये फैलता जा रहा है, और जो इनका जो मिडिल किंगडम फैलेगा कहीं ना कहीं जो है, जो चाइना का एक वन ड्रीम का जो सपना है, वन वर्ल्ड का जो सपना है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, जाई जिनपिंग का, उसका आधार, सबसे बड़ा आधार ये है आपका जो है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है ना, इनिशिएटिव जो है, ठीक है ना। इसको OBOR भी कहा जाता है, उबोर इनिशिएटिव कहा जाता है इसको। लेकिन जब बाद में बहुत ज़्यादा आलोचना हुई तो वन को हटा दिया गया, तो अब ये इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, चाइना का निवेश, चाइना उधार दे रहा है सारे बड़े बड़े देशों को, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जो है 90+ कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बन गई हैं। और मैंने आपको बताया था ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें चाइना जो है अपना ओल्ड सिल्क रूट जो है रिवाइव कर रहा है, ठीक है ना। तो चाइना संबंध बनाएगा, चाइना की जो है चाइना रोड्स बनवा रहा है जो यहाँ से जाएंगी, यहाँ से होती हुई जो है, ठीक है ना, भारत से पाकिस्तान से होती हुई यहाँ जाएंगी, यहाँ पे जा रहा है, हर जगह निवेश कर रहा है वो, यहाँ जाएंगी यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से नीचे आएगा, इधर पहुँचेगा, यहाँ से जो है यहाँ से होते हुए अफ्रीका में भी जाएगा। ये सारी की सारी रोड्स और सी रूट्स कहीं ना कहीं चाइना बना रहा है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो है, ठीक है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अपना विस्तार, अपना दबदबा जो है कहीं ना कहीं जो है पैसे और इकोनॉमी के थ्रू जो है करना चाह रहा है, ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। तो भारत ने कहा था मैं इसको नहीं ज्वाइन करूंगी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। क्योंकि भारत का कहना था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ऐसे प्रोजेक्ट जो मेरी टेरिटरी से जाएंगे, जो मेरी क्षेत्र से जाएंगे, जो विवाद हैं, जिनमें विवाद हैं, अगर आप वो चीज़ें करोगे कहीं ना कहीं तो मैं इसको नहीं मानूंगा। क्योंकि आप जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट बना रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इन सारे चीजों को समझने की जरूरत है। और भारत का ये कहना है कि भाई आप जो वो कॉरिडोर बना रहे हो, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, अब वो आ रहा है आपके जिनजियांग प्रोवेंस से जो है, आप जो है यहाँ पे जो है आके जो है क्या कर रहे हो, आपका यहाँ पे आपके ग्वादर पोर्ट तक जो है वो पहुँचेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी आपके बेसिस हैं। तो जिनजियांग प्रोवेंस से आपका जो है होता हुआ जो है वो कॉरिडोर जो है यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, ठीक है ना, यहाँ से आप लाओगे उसको जब, ठीक है ना, यहाँ से जब वो आएगा ऊपर से, तो अल्टीमेटली जो है वो यहाँ से होके जाएगा, वो यहाँ से होके जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के साइड से, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK है, जो आप POK से एक रोड लेके जो है नीचे की तरफ आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से इधर आ रहे हो कहीं ना कहीं जो है। तो ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जो POK है वो मेरा हिस्सा है, आप कैसे जो है उसको POK के बीच चला सकते हो। POK जो है विवादित है, वो हमारा विवाद है पाकिस्तान से, POK तो मेरा है, वहाँ से आप रोड कैसे बना सकते हो। तो मैं उसको जो है ज्वाइन नहीं करूंगी, क्योंकि भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स जो हैं सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं, इस तरह से सारी की सारी चीज़ें जो है चलती हुई नज़र आती हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड को अगर आप समझेंगे, सारे के सारे जो हैं बैकग्राउंड को समझेंगे, तो जो चाइना चाइनीज प्रीमियर था जू इनलाई, ठीक है ना, जू इनलाई जो थे चाइनीज प्रीमियर थे जो हैं, ठीक है ना, चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने जून 1954 में जो है भारत आए, ठीक है ना, 1954 में वो भारत आए, और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब से जो है उनकी मुलाकात हुई जो है, ठीक है ना। इवन के हमारे जो प्रेसिडेंट थे, जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो जवाहरलाल नेहरू, सो ही विजिटेड चाइना, वो भी गए वापस जो है, विजिटेड चाइना। इन अक्टूबर 1954, ठीक है ना। उसके बाद 1957 में भी जो है कहीं ना कहीं जो है गए, जू इनलाई जो है इंडिया आए जनवरी 1957 में, अप्रैल 1960 में भी आए, अब ये भी आए, और कहीं ना कहीं एक नारा बुलंद हो गया कहीं ना कहीं कि हिंदी चीनी भाई भाई, भारत ने अपना एक सिद्धांत लाए पंचशील,
फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, कि ये वो पांच सिद्धांत थे जिनके आधारों पे आप बड़े पीसफुली जो है, बड़े प्यार से, शांतिपूर्वक तरीके से जो है रहेंगे अपने पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और जो है जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तक कहा हिंदी चीनी भाई भाई सब चीज़ें सारा का सारा, लेकिन अल्टीमेटली जो है चाइना इंडिया क्लैश हो गया, चाइना इंडिया जो है वॉर हुई 1962 में, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये जो है, ठीक है ना। तो 62 में जो है ये वॉर होगी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, जिससे हमारे आपसी संबंधों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटबैक हुई, रिलेशंस ख़राब हो गए कहीं ना कहीं जो है। और उसके बाद 1976 में हमारे रिलेशन जो है ठीक हुए कहीं ना कहीं, 1976 के बाद फिर और जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक लेवल पर बड़ी बड़ी जो है विजिट्स हुई कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है 1979 में जो है चाइना गए, उसके बाद चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है हुंग हुआ जो है वो जो है जून 1981 में जो है भारत आए, और उसके बाद जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो है वो जो है 1988 में जो है चाइना गए जो है, ठीक है ना। और दोनों साइड्स ने उस टाइम पे बहुत सारे समझौते किए और आपसी संबंधों को बढ़ाने की बात की कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया जो है, जिससे जो है बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, आर्थिक मामलों को आगे बढ़ाया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रहें कहीं ना कहीं जो है। तो रिलेशंस इस हिसाब से जो है आगे बढ़ते रहे कहीं ना कहीं जो है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें होना जो है शुरू हो गई। तो ये सारे के सारे जो है पर्सपेक्टिव थे, ये सारी की सारी जो है चीज़ें थी कहीं ना कहीं जो है चाइना के और जो है भारत के रिलेशंस में कहीं ना कहीं इस हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आई, और इस हिसाब से सारे के सारे हमारे जो रिलेशंस थे वो चाइना के साथ जो है गवर्न हुए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो हमारे हिस्टोरिकल टाइज थी, जो हमारे कल्चरल रिलेशन थे, सारे के सारे जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आए। ऐतिहासिक और लंबे सांस्कृतिक संबंध कहीं ना कहीं जो है इन दोनों आर्थिक दिग्गजों के संबंधों को परिभाषित करते हैं, और बड़ी जो है अर्थव्यवस्थाओं वाली ये दो परमाणु शक्तियां दुनिया की कहीं ना कहीं अग्रणी महाशक्ति बनने की जो है आकांक्षा रखती हैं, जैसे पहले कभी नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक प्रमुख जो है सीमा समस्या के मुद्दे, उसके अलावा जो है कहीं ना कहीं जो है प्रतिस्पर्धी जो है अर्थव्यवस्थाएं, और 1962 का एक बड़ा युद्ध, डोकलाम मुद्दे के साथ एक घनिष्ठ आर्थिक संबंध, और बाद में गलवान घाटी गतिरोध में दर्जनों जो है कहीं ना कहीं जो है अताहत जो है जिसे जो है मुद्दों के बीच जैसे मुद्दों के बीच में दोनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं जो है बढ़त बनाने के जो है लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह के संबंध ये आपके सामने हैं। व्यापार के साथ जो है प्राचीन कहीं ना कहीं जो है रेशम मार्ग मैंने आपको बताया जो है, ठीक है ना, ओल्ड सिल्क रूट रेशम मार्ग से लेकर दोनों ने कहीं ना कहीं जो है रेशम मार्ग से लेकर दोनों के ऐतिहासिक संबंध कहीं ना कहीं हिंदी चीनी भाई भाई के नारे तक का सफर, और उसके बाद पंचशील के रूप में शांतिपूर्ण जो है कहीं ना कहीं एक सह अस्तित्व के सबसे जो है प्रति सदी पांच सिद्धांतों पर कहीं ना कहीं हस्तक्षर जो है सिग्नेचर करने के बाद ऐसे ऐसे सहयोग के साथ जो है दोनों ने कहीं ना कहीं एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है। इस हिसाब से वो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं चीन जो है अपनी महत्वाकांक्षाएं जो है उसका जो एक महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए विश्व शक्ति बनने की आकांक्षा जो है कहीं ना कहीं जो है आकांक्षा रखता है, जो पश्चिमी शक्तियों को परेशान करता है, और कई उसे चीन की आर्थिक जो है विस्तारवादी नीति के रूप में मानते हैं। चीन कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना चाहता है जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है पूर्व एशिया को दक्षिण से जोड़ने और मध्य एशिया से पश्चिम एशिया तक जाने वाले जो है सुदूर यूरोप का एक संपर्क मार्ग है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दक्षिण चीनी चीन सागर और बाकी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपने अधिकांश पड़ोसियों के साथ देश चीन के सीमा विवाद हैं। चीन कहीं ना कहीं जो है जाई जिनपिंग के नेतृत्व में एक रोड मैप पर काम कर रहा है, जिसमें वो अपने बाजारों का विस्तार करता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें विविधता प्रदान कर रहा है, जिससे पारंपरिक यूरोपीय और कुछ एशियाई बाजारों पर जो है निर्भरता जो है कम हो रही है। तो इस हिसाब से ये सारी की सारी जो है चीज़ें आपके सामने नजर आ रही हैं, इस हिसाब से सारी की सारी चीजें जो है आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं जो है। पंचशील के पांच सिद्धांत जो है, ठीक है ना, भारतीय जो है चीन समझौता हुआ था 1954 में, ठीक है ना, वो सिद्धांत सामने आए, ठीक है ना, जिसमें एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए जो है परस्पर सम्मान की बात की गई, इसके अलावा जो है आपसी गैर आक्रामकता की बात की गई जो है, और एक दूसरे के कहीं ना कहीं आंतरिक मामलों में जो है एक परस्पर जो है हस्तक्षेप की बात जो है की गई जो है, समानता और पारस्परिक जो है लाभ की बात की गई, और शांतिपूर्ण जो है सह अस्तित्व की बात की गई, म्यूचुअल जो है को एग्जिस्टेंस, पीसफुल म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की बात की गई। तो ये बहुत सारी चीजें आपको नजर आती हैं।
1962 का युद्ध जो है, मैंने आपको बताया 20 अक्टूबर 1962 को जो है कहीं ना कहीं भारत पर चीन ने हमला किया, जिसे जो है 1962 के चीन भारत युद्ध के रूप में जाना जाता है। और चीन द्वारा कभी भी हमला ना करने के विश्वास ने भारतीय सेना को तैयार नहीं होने दिया, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया को श्योर था कि यार चाइना कहाँ से अटैक करेगा, दोस्त है, हिंदी चीनी भाई भाई है। एक वो जो है जवाहरलाल नेहरू साहब की आप कहेंगे या गवर्नमेंट की एक आदर्श जो है विदेश नीति, कहीं ना कहीं जो है एक आदर्शवादी विदेश नीति कहीं ना कहीं, और उसका परिणाम कहीं ना कहीं ये हुआ कि ऑलमोस्ट 10 से 20 हज़ार भारतीय सैनिक और कहीं ना कहीं 80 हज़ार जो है चाइनीज जो सैनिक थे, ठीक है ना, उनके बीच जो है एक गतिरोध हो गया जो है, ठीक है ना। युद्ध लगभग 1 महीने तक जारी रहा और 21 नवंबर को चीन द्वारा जो है युद्ध जो है विराम की घोषणा के बाद जो है समाप्त हो गया। तो चीन की स्वतंत्रता के बाद अगर आप देखें तो भारत ने चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की कोशिश की। जब चीन ने घोषणा की कि वो तिब्बत पर आक्रमण करने वाला है, तो भारत ने हल्का विरोध शुरू किया, ज़्यादा विरोध नहीं किया, ठीक है ना, हल्का सा विरोध किया और कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए जो है बातचीत होनी चाहिए। भारत ने साम्यवादी चीन को मान्यता दी, कम्युनिस्ट चाइना को मान्यता दी, उसको जो है रिकॉग्नाइज किया चाइना ने, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें की। तिब्बत पे हमला किया, भारत ने कहा कोई बात नहीं, कम्युनिस्ट चाइना को मान्यता दी और लड़ा चीन के लिए कि भाई इसको मेंबरशिप दे दो जो है सिक्योरिटी काउंसिल की। भारत अगर शायद रियलिस्टिक होता उस टाइम पे, अमेरिका का मिलिट्री अलायंस ज्वाइन कर लिया होता या ऐसी कोई चीज़ की होती, तो हो सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भारत होता। भारत ने ली नहीं, कहा मेरी जगह चाइना को दे दो। मतलब ये चीज़ें, ये डिस्कशंस, ये डिबेट्स भी होती हैं कहीं ना कहीं आज भी कि क्या उस टाइम पे भारत को मिल सकती थी। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ तक के जो है चीन के तिब्बत पर कब्जा करने को भी मान्यता दी ताकि वो घनिष्ठ सहयोग कर सके। भारत खाली ये चाहता कि इस पड़ोसी से मुझे लड़ाई नहीं करनी है, पड़ोसी है, बड़े प्यार से हम रहेंगे, हर एक चीज़ मानी कहीं ना कहीं, ठीक है। और जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टिप्पणी दी कि हिंदी चीनी भाई भाई। इस बीच चीन ने जो है एक नक्शा दिखाया जिसमें लगभग जो है 1,20,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन के रूप में जो है चीन के मैप में जो है दिखाया गया जो है, ठीक है ना। तो पूछताछ करने पर पहले चीनी राष्ट्रपति जो है कहीं ना कहीं जो है जू इन लाई ने कहा कि नक्शे से जो है त्रुटियां थी, कुछ मसले हैं, ऐसे रखा है। और जब तिब्बत को चीन ने जो है अपने कब्जे में ले लिया तो दलाई लामा जो है वो जो है तिब्बत से जो है भाग गए जो है, ठीक है ना, वहाँ से उन्होंने निर्वासन किया और उनका जो है भारत में जो है बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, जिससे चीन और ज़्यादा चिढ़ गया और ये आकांक्षा जताई कि तिब्बत में बड़े पैमाने पर जो है विरोध और विद्रोह भारत द्वारा जो है प्रायोजित थे। यानी कि जो तिब्बत में जो सारे मसले हुए, लोगों ने जो सारे के सारे मसले किए चाइना के खिलाफ, वहाँ पे जो सारे के सारे प्रोटेस्ट हुई, उसमें भारत का हाथ था। इस तिब्बत मुद्दे को 1962 युद्ध का एक मुख्य कारण जो है माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप देखें तो ये है आपका चाइना और यहाँ पे है आपका तिब्बत। ये लद्दाख है, यहाँ पे ये आपका जो है तिब्बत है सारा का सारा जो है, ठीक है ना। तो खैर भारत जो है उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, दलाई लामा वहाँ से भाग के धर्मशाला में आ गए हिमाचल प्रदेश में, आज भी वो वहाँ पे रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। उसके अलावा जो है इकोनॉमिक रिलेशंस हैं हमारे उसके साथ जो है कहीं ना कहीं जो है 21वीं सदी के शुरुआत से के बाद से अब तक कहीं ना कहीं चीन और भारत के बीच व्यापार 3 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 100 अरब डॉलर जो है पहुंच गया है, ठीक है ना। 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है हमारे बीच में हो रहा है, जो लगभग 32 गुना की वृद्धि है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो चलती नजर आई थी 2019 में, मैंने आपको बताया कि 92 बिलियन डॉलर ट्रेड था, लेकिन 2021 का ट्रेड मैंने आपको बताया लेटेस्ट जो बढ़ के और ज़रा वो हो गया कहीं ना कहीं जो है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। उसके अलावा जो है डोकलाम गतिरोध में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, डोकलाम का मैंने आपको डिटेल में सारा का सारा जो है पढ़ाया हुआ है। आई होप आपको उस पर क्लैरिटी है, मुझे दोबारा से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि डोकलाम में क्या इश्यू हुआ था। वो इश्यू जो है यहाँ पे आपको नजर आया था, ठीक है ना, मैंने डिटेल में आपको सारा का सारा जो है पढ़ाया था यहाँ पे जो है, ठीक है ना, कि यहाँ पे इश्यू हुआ था जो है। ये सिक्किम है आपका, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो यहाँ पे जो है आपको इश्यू नजर आया था, जो डोकलाम इश्यू था वो यहाँ पे नजर आता है आपको जो है, ठीक है ना। ये आपका भूटान था, ये सिलीगुड़ी है, तो यहाँ पे आपका डोकलाम है, ठीक है ना, डोकलाम कॉरिडोर जो है, ठीक है ना, जहाँ पे ये ऊपर चाइना है, ठीक है ना, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे वो इश्यू नजर आया था। मैंने डिटेल में आपको जो है पढ़ाया है डोकलाम गतिरोध के बारे में।
उसके बाद जो हाल ही की झड़पें हुई आपकी जो है ठीक है ना, 10 मई 2020 को जो है ठीक है ना सिक्किम में झड़प हुई, उसके बाद जून में जो है गालवान में हुई जो है सारा का सारा जो है, तो एक डिटेल में सारी की सारी चीज़ें जो है आपके सामने जो है रखी गई। आई होप आपको इन सारी चीज़ों में क्लैरिटी है, आपको अच्छे से सारी की सारी चीज़ें समझ में आई हैं। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगी किसी बच्चे को तो वो मुझे बताए, मुझसे पूछे, अच्छे से पढ़े, मेहनत करें, चीज़ों को लेके आप आगे बढ़े। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि एक डिटेल्ड वे में हमारी डिस्कशन चले, जिससे हम क्लैरिटी के साथ सारी की सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं गालवान घाटी की जो है झड़प के बाद जो है ठीक है ना, उस झड़प के बाद जो है भारत और चीन के संबंध जो है लगातार जो है तनावपूर्ण जो है बने हुए हैं, लगातार जो है उसमें तनाव है कहीं ना कहीं जो है, और दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच जो है 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सीमा विवाद पर जो है कोई भी समाधान नहीं निकला है। और इस बीच साउथ ब्लॉक में चर्चा है कि चीन के निवेश मंत्री जो हैं मार्च अंत में जो है दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। खैर अब जो है वो दिल्ली तो नहीं पहुंचे जो है उस टाइम पे, जो है अप्रैल में देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि दिल्ली आने का जो है उनका एक ही मकसद है, वो ये कि कहीं ना कहीं अप्रैल जो है 2020 के दौरान दोनों देशों के बीच बिगड़े संबंधों को दोबारा से पटरी पर लाया जाए, दोबारा से जो है चीज़ों को जो है लेके आगे बढ़ा जाए, और एक पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं सारी की सारी चीज़ों को जो है समझा जाए, ताकि क्लैरिटी के साथ सारी की सारी चीज़ें जो है सामने आएँ, और एक अच्छा से कहीं ना कहीं जो है हम चीज़ों को जो है लेके चलें, अच्छे से जो है उसको समझें, और एक पर्सपेक्टिव में सारी की सारी चीज़ों को जो है हम लेके आगे रहें कहीं ना कहीं जो है ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है पर्सपेक्टिव हैं, ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। तो उसके अलावा अगर आप देखें मानिक सरकार का ये कहना है कहीं ना कहीं कि हमने कोई भी ऐसी एलिगेशन नहीं है चाइना पे कि चाइना ने कोई फॉरेन सॉइल जो है एक्वायर किया है या ऐसी कोई चीज़ें की हैं कहीं ना कहीं जो है ठीक है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है समझ में आ रही है। त्रिपुरा के अपोजिशन लीडर जो हैं और सीपीएम के पोर्टफोलियो मेंबर जो है मानिक सरकार का ये कहना है कहीं ना कहीं जो है ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं जो है कोई भी देर वॉज एस सच नो एलिगेशन, हम वो नहीं कह रहे हैं कि चाइना ने कोई फॉरेन टेरिटरी जो है एक्वायर की है, लेकिन फिर भी चीज़ों को जो है आगे लेके बढ़ना है, चीज़ों को जो है अच्छे से जो है समझना है, उसमें जो है चेंज आना चाहिए कहीं ना कहीं। हाल ही में जो है बीजिंग ने दोनों देशों के बीच जो है कहीं ना कहीं एक उच्च स्तरीय यात्राएं शुरू करने की सलाह दी थी, और कहा था कि इन यात्राओं में दिग्गज नेता और अधिकारी शामिल हो, जिससे कहीं ना कहीं जो है भारत चीन के बीच बातचीत हो, बातचीत के अलावा कारोबार और निवेश के लिए जो है मंच तैयार किया जा सके। और कहीं ना कहीं आप देखें गौरतलब है कि इस साल 2022 में जो है कहीं ना कहीं चीन में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे से रूबरू होंगे, तो 2022 में जो वार्तालाप होगी जो बातचीत होगी उसमें ये आपस में जो है एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, बाकी सारी की सारी जो है चीज़ें बढ़ेंगी। खुशी लोहारिया पंचशील जो है ये एक समझो जो है एग्रीमेंट था, एक समझौता था, एक सिद्धांत थे, 5 प्रिंसिपल्स 5 सिद्धांत जो है, एक जो है शांतिपूर्ण जो है सह अस्तित्व के बारे में, नोट्स में सारे के सारे लिखे हुए हैं मैंने 5 के 5 जो मैंने पढ़ के सुनाए, मैंने बताए सारे के सारे जो हैं डिटेल में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो अब देखते हैं जो ब्रिक की समिट होगी उस टाइम पे 2022 में जो है ठीक है ना, ब्रिक्स सम्मेलन में जो है दोनों मिलेंगे, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं। हालांकि दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच कारोबार जो है तब तक संभव नहीं है जब तक चीन की सेना पूरी तरह पीछे नहीं हट जाती, या वास्तविक जो है नियंत्रण रेखा ठीक है ना, भारत और चीन के बीच में जो विवादित बॉर्डर हैं, जहाँ डिस्प्यूट्स हैं, उन बॉर्डर्स पे जो लाइन लगी है, जो सीमा रेखा है, उसको आप LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है जी। सो इट इज द फैक्चुअल बाउंड्री लाइन बिटवीन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज ऑफ चाइना एंड इंडिया, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन चाइना एंड इंडिया, उसको आप LAC कहते हैं, और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन है उसको आप लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हो, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो सवाल आएगा तो गलत मत करना, LOC इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और LAC इट इज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। इसी तरह एक और है आपकी दुरंग लाइन, ये है बिटवीन
पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और अगर हमें पीओ एलओसी मिल जाता है तो एलओसी का कुछ क्षेत्र जो है अफगानिस्तान को टच कर रहा है, एलओसी नहीं सॉरी पीओके मिल जाता है तो वो टच कर रहा है, तो फिर उस टाइम पे हमारे साथ भी होगी। खैर तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट जो है 15 दौर की बातचीत के बावजूद जो है कहीं ना कहीं जो है पेंगोंग झील के जो है सिर्फ उत्तरी और दक्षिणी किनारों के अलावा गोगरा क्षेत्र में जो है PP-17A पॉइंट से जो है सेना पीछे हटी है, उसके अलावा जो है वो पीछे नहीं हटी है। ये भी कहा जा रहा है कि चाइना कोशिश कर रहा है जो पेंगोंग लेक है आपकी लद्दाख में, पेंगोंग बहुत ही खूबसूरत लेक है, पेंगोंग लेक वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, वहाँ पे जो है वो अपने ब्रिजेस बना रहा है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, पेंगोंग लेक पे जो है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी जो है देखने की बात होगी, इन चीज़ों को भी समझना होगा कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये आपका जो है करगिल है, ये लद्दाख है आपका, यहाँ पे ये लेह डिस्ट्रिक्ट है आपका जो है, ठीक है ना। तो लेह डिस्ट्रिक्ट से आप जाओगे नुब्रा वैली की तरफ जो है, ठीक है ना, ये आपका लेह डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको पेंगोंग लेक नज़र आएगी जो है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपका लेह है, ये शे वैली है, ये हेमिस नेशनल पार्क है यहाँ पे जो है, ये चुशुल है, ठीक है ना। तो ये आपका नुब्रा रिवर है यहाँ पे जो है, ठीक है ना, ये आपका मेराक है यहाँ पे जो है, ये तुरतुक है आपका जो है, ये केटू है, कंचनजंगा जो है, ठीक है ना, भारत की हाईएस्ट पीक जो है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। तो देखने वाली बात होगी कि किस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आती हैं। चंग चंगमो कंगरी कांगरी है यहाँ पे जो है, ठीक है ना, ये सारे के सारे एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझना होगा, किस हिसाब से क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सारे पर्सपेक्टिव्स को जो है समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे है आपका वो रीजन जो है, ठीक है ना, इस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। विपिन त्रिपाठी, ट्रेड जो है चलेगा, भारत की निर्भरता बहुत ज़्यादा है चाइना पे, तो कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशंस अभी भी चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, और ज़्यादा जो है तेज़ी नहीं आ रही है उसमें जो है, जो तेज़ी आनी चाहिए। चाइना का अमेरिका से अगर आप ट्रेड देखेंगे ऑलमोस्ट 400 से $500 बिलियन का है, 500 अरब का ट्रेड है, लेकिन इसके साथ जो है बहुत कम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, जो है द्वीपीय शक्ति जो है संबंध कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक संबंध जो है कहीं ना कहीं अच्छे बनाना चाहता है चीन कहीं ना कहीं जो है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो डेम चोक और जो है देपसांग इलाकों में दोनों देशों के 50 से 60 हज़ार सैनिक जो है तैनात हैं आपके जो है, ठीक है ना, चाहे आपका जो है देपसांग हो या बाकी हो। और कहीं ना कहीं जो है दावा किया जा रहा है कि ये सैनिक किसी भी वक्त इन इलाकों को खाली कर सकते हैं, हालांकि ऐसा कब तक होगा ये स्पष्ट नहीं है। इस बीच बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर जो है बस्तियां बसा दी हैं और जवानों को तैनात कर दिया है, जिसे उकसाने वाला हरकत जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है। चीन की रणनीति स्पष्ट है कि वो सीमा विवाद बरकरार रखना चाहता है, उसका मकसद है कि सीमा विवाद धीरे धीरे सुलझाए जाएं, लेकिन उसकी वजह से कारोबार, निवेश, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा वगैरह मामलों पर जो है संबंध जो है कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चीन के इस दृष्टिकोण में बदलाव कहीं ना कहीं जो है भारत के एक ऐसे देश के रूप में उभरने के बाद आया जिसकी गिनती पलटवार करने में सक्षम देशों में होती है। चीन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि भारत हर चीज़ का रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, पलटवार कैसे कर रहा है, भारत इतना मजबूत कैसे होता जा रहा है कहीं ना कहीं। दरअसल जब चीन की सेना ने धावा बोला तो भारतीय जवानों ने अपने जवाबी हमले से उन्हें नेस्तोनाबूद कर दिया, और इस घटनाक्रम ने चीन का वो मुगालता भी दूर कर दिया, वो जो उसकी मिस जो है कहीं ना कहीं जो है एक गलत फहमी थी उसकी जो है, ठीक है ना, कि धोखे से हमला करने में उससे बेहतर कोई नहीं है। उसके अलावा दिल्ली ने जो है अधिकांश विकासित देशों की तुलना में कोरोना महामारी का मुकाबला काफ़ी बेहतर तरीके से किया, अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सटीक कदम उठाए। और इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के सैन्य वर्चस्व का विरोध करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ जो है क्वाड सम्मेलन भी किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी चाइना को बर्दाश्त नहीं हो रही है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना।
ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव भी सामने आ रहे हैं कि ये जो क्वाड ग्रुप है, ठीक है ना, क्वाड सम्मेलन, ठीक है ना, इसमें चार देश हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडो पैसिफिक में उसका दबदबा, उसकी हजमनी जो है बढ़ रही है चाइना की, उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। तो चाइना चीज जो है, चाइना को ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कहीं ना कहीं। चाइना ने इसे एशियाई नाटो करार दिया है। चाइना कहता है कि ये, चाइना क्या बोलता है, चाइना कहता है इट इज एशियन नाटो, ये एशिया की नाटो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें सामने आई हैं कहीं ना कहीं जो है, और कहीं ना कहीं भारत के इसमें शामिल होने को लेकर वो चिंता जाहिर करने में जो है उसने जरा भी देरी नहीं की। हालांकि इससे कहीं ना कहीं जो है आश्चर्य जो है कहीं ना कहीं उस वक्त हुआ होगा कहीं ना कहीं, जब भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर तटस्थ की भूमिका निभाई। भारत ने बड़े ध्यान से एक बैलेंस्ड अप्रोच ली, ठीक है ना, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं भारत की आपको नजर आई, भारत की अप्रोच आपको बड़ी प्रैक्टिकल नजर आई कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, जबकि इस घटनाक्रम से पश्चिम की नींद उड़ा रखी है। तो चीन उससे ही बड़ा परेशान हुआ होगा कि भारत कैसे एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके आगे बढ़ रहा है, एक कैसे जो है एक जो है स्वतंत्र विदेश नीति लेके आगे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं चीन पर दिल्ली को इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये स्पष्ट था कि भारत की दिलचस्पी अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की रक्षा करने में है, वो नैतिकता या मित्रता का बोझ नहीं ढोना चाहता है। चीन ने भी ये महसूस किया कि वो एक ऐसे देश से संबंध खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकता जो हालात के हिसाब से फैसले ले सकता है, दुनिया के बड़े बाजारों में शामिल है और एक ऐसा लोकतंत्र है जहां विरोध की वजह से उसके हितों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन चीन के बोल वचन पर दिल्ली को इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना है कहीं ना कहीं जो है। दरअसल आप चीन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूसरे देशों के इलाकों पर कब्जा करने का उसका एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 1962 में उसने अक्साई चीन के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। वो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या सीमा को मानने से इनकार कर रहा है, उत्तरी सीमा पर कब्जे की कोशिश करता है। ताज़ा घटनाक्रम की बातें करें तो अप्रैल 2020 में चीन की सेना ने लद्दाख में हमला किया था और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा छोड़ने से इनकार कर दिया। POK से चीन पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है निकाल कर जो है चाइना या ड्रैगन जो है कहीं ना कहीं अपने कदम आगे बढ़ा चुका है, और कश्मीर विवाद को लेकर ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, और साथ ही नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स को कर्ज और आर्थिक मदद देकर कहीं ना कहीं भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कारोबार में काफी तेजी आई है। पिछले साल यानी 2021 के दौरान दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय कारोबार जो है रिकॉर्ड 44% ज्यादा दर्ज किया गया, और कहीं ना कहीं भारत से चीन को निर्यात में जो है 38.5% जो है और आयात में 46% की जो है तेजी आई कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो ये आयात निर्यात जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं आपको जो है, ठीक है ना। ऐसा तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रहे हैं। इसका नतीजा ये रहा है कि हमारा व्यापार घाटा जो है 70% अरब डॉलर हो गया, जो 2020 में जो है 46 अरब डॉलर था। ऐसे में ये स्पष्ट है कि भारत और चीन कहीं ना कहीं दोनों देशों को एक जो है समुद्र होने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। ऐसे हालात में भी एक जो है संदेश छिपा हुआ है। तो भारत सीमा विवाद के रहते हुए चीन से संबंध बेहतर बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें देखने की ज़रूरत है, इन पर्सपेक्टिव्स को समझने की ज़रूरत है। भारत को सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर बातचीत जो है जारी रखनी चाहिए, ये चीज़ क्लियर है कहीं ना कहीं। लेकिन उसके साथ साथ अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों पर भी नज़र रखते हुए जो है ताकत पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी मसले में बातचीत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है मेज की दूसरी तरफ बैठे पक्ष की ताकत और कमजोरी का पता लगता है। जब आप बात करोगे तभी आपको पता चलेगा सामने वाला कितना मजबूत है या उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं, और साथ ही ये जानकारी भी मिलती है कि वो किस चीज से भड़क सकता है। हालांकि इसे कहीं ना कहीं जो है व्यवहारिकता के साथ जो है संयमित करने की भी जरूरत है और बड़े ध्यान से चीजों को समझना है। उदाहरण के लिए आप देखें कि सीना को 1 इंच भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और हर समय कहीं ना कहीं जो है एक परी जो है कहीं ना कहीं जो है पारस्परिकता पर जोर देना चाहिए। इससे भी अहम बात यह है कि लद्दाख के
लद्दाख से कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश तक फैली भारत चीन सीमा पर जवानों की जिंदगी को दांव पर लगाकर किसी भी तरह की बातचीत या समझौता नहीं होना चाहिए। इसी तरह उद्योगों को पूरी तेजी से चलाने के लिए आयात निर्यात जारी रख सकते हैं। हालांकि सैन्य जो है सामान के उत्पाद और खरीद या अंतरिक्ष बिजली और जो है संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जो है चर्चा के दायरे से जो है उनको बाहर रख देना चाहिए और इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है और बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहिए। तो एक पूरा का पूरा एक डिटेल पर्सपेक्टिव है जो आपके सामने मैंने लाया, पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने पेश की ताकि क्लैरिटी के साथ जो है आपके सामने सारी की सारी चीज़ें जो है आए कहीं ना कहीं जो है तो सारी चीज़ें चलेंगी। बिल्कुल इस्लाम सब डिप्लोमेसी चलाने की जरूरत है। ट्रैक टू तो नॉर्मली तब चलती है जब ट्रैक वन फेल हो जाए या बिल्कुल ना चल रही हो, तो यहाँ ऐसा नहीं है। ट्रैक वन डिप्लोमेसी चल रही है, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है ब्रिक्स में भी मुलाकात होगी। ट्रैक टू नॉर्मली तब होती है जब ट्रैक वन फेल हो जाए या कहीं ना कहीं एक गतिरोध आ जाए, डेड लॉक आ जाए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो वहां पे ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है नॉर्मली, जिसमें आप जो है स्पोर्ट्स क्रिकेट या बाकी चीज़ों के जरिए जो है मिलते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग मिलते हैं, एनजीओज मिलती हैं, ये सारे के सारे लोग दोनों देशों के मिलकर जो है संबंधों को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक क्लैरिटी हुई है। एक नई डिस्कशन के साथ फिर से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।